मानवता में विश्वास करने वाले पूरे विश्व के लिए ये गौरव का अवसर है कि जब जर्मनी के हैनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापन हो रहा है, महात्मा गांधी भारत में जन्मे जरूर थे, महात्मा गांधी पिछली शताब्दी में जन्मे जरूर थे, लेकिन न वो सिर्फ भारत के थे, न ही वो बीती हुई शताब्दी के थे, वे पूरे विश्व के थे और वे युग पुरुष थे। विश्व दो संकटों से गुजर रहा, एक आतंकवाद और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। पूरे विश्व को इसकी चिंता है और अगर हम महात्मा गांधी की तरफ देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के विचार में से मिलता है, उनके आदर्शों में से मिलता है। वे प्रकृति को प्रेम करते हैं, वो प्रकृति के साथ सहजीवन की बात करते हैं और वे पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े जागरूक थे। उस समय विश्व में कहीं पर भी एनवायरमेंट की चर्चा नहीं होती थी, उस समय वे प्राकृतिक जीवन के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन के माध्यम से संदेश देते रहते थे। और दुनिया जो आज रक्त रंजित हो रही है, मानव जीवन पर आतंकवाद का साया मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ है, तब महात्मा गांधी का अहिंसा का संदेश, महात्मा गांधी का सहजीवन का संदेश और भारत की धरती का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इस संकट से मानव को बचाने का उत्तम रास्ता है। और उस अर्थ में महात्मा गांधी आज भी पूरी मानव जात के लिए आदर्श है, प्रेरक है। मैं मेयर सी का, हैनोवर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज और मुझे बताया गया कि यहां की जनता ने मतदान करके तय किया था कि हमारे हैनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा होनी चाहिए।